الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم معزز سامعین و ناظرین السلام علیکم آج ہمارا چینل جس وظیفہ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہے وہ اللہ پاک کے دو نام یا اللہ یا باسط کا بہت ہی فضیلت والا عمل ہے इस वजीफ़ा को कैसे और किस वक्त करना है और इसकी बरकात क्या है मैं आपके साथ शेयर करूंगी। वीडियो को अपने अजीज़ों के साथ शेयर कर दिया करें सदक़े जारिया समझकर ताकि और लोग भी इसे फ़ायदा हासिल कर सकें। प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आली शान है कि जिसने मुझ पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ा अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, उसके 10 गुनाह मिटा देता है और 10 दर्जात बुलंद फरमाता है। रमज़ानुल मुबारक अपनी बरकतों बख्शिशों और फजीलतों के साथ रवां दवा है। माह रमज़ान का दूसरा अशरा शुरू हो चुका है। दूसरा अशरा मग़फ़रत है, मुआफ़ी का अशरा है। ये अशरा रमज़ानुल मुबारक का दरमियानी हिस्सा है। इस अशरा में तौबा व इस्तग़फ़ार करें, अपने गुनाहों लग़्ज़िशों की मुआफ़ी मांगें। इस माह में खूब क़याम करें, तिलावत करें और तरावी व तस्बीहात करें। यह महीना बड़ा ही फजीलत वाला महीना है। रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में फरमाया कि जब रमज़ान आता है तो जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं। शैतान जंजीरों से जकड़ लिए जाते हैं और हर शब एक मुनादी पुकारता है कि ऐ खैर के चाहने वाले आगे बढ़ और शर का इरादा करने वाले पीछे हट जा। अल्लाह ताला इस माह मुबारक की बरकत से बेहिसाब लोगों को दोजख से खलासी नसीब फरमाता है। इस माह में एक रात ऐसी है जो हज़ार महीनों से बेहतर है। नफल काम का अजर फ़र्ज़ के बराबर और फ़र्ज़ का सवाब 70 फ़र्ज़ों के बकदर अता किया जाता है। इस माह को सब्र व गमखारी का महीना करार दिया गया है। इस माह में मोमिन का रिज्क बढ़ा दिया जाता है। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम मलाइका की एक जमात के साथ तशरीफ़ लाते हैं और जिस बंदे को इबादत में मशगूल पाते हैं तो उसके लिए दुआ करते हैं और तमाम फरिश्ते उस पर आमीन कहते हैं। सुबहानल्लाह, तो ये थी माह रमज़ान की शान जो हम पर नाजिल हो रही है। सुबहानल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज के वजीफ़ा के लिए करना इस तरह है कि अल्लाह तबारक ताला के नाम इस तरह पढ़ने हैं कि अव्वल आखिर 3-3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है और या अल्लाह हो या बासितो इसकी एक तस्बीह करनी है। या अल्लाह हो या बासितो का मतलब है ऐ माबूद खुदाए बुजुर्ग, ऐ कशाइश करने वाले रिज्क के। या अल्लाह हो या बासितो की एक तस्बीह करनी है और फिर अल्लाह ताला से दुआ करनी है। अल्लाह पाक के नामों में बड़ी बरकत है, बड़ी ताकत है। हर नाम की अपनी फजीलत है। जो इन अस्माए मुबारका को पढ़ता है तो गमों से परेशानियों से महफूज रहता है और रोज़ी गैब से मिलती है और किसी का मोहताज नहीं होता। तमाम आफतों और मुसीबतों से अल्लाह ताला उसे महफूज रखता है और जो भी हाजत होगी इंशाअल्लाह ताला पूरी हो जाएगी और कर्ज जो भी आपका होगा इंशाअल्लाह ताला वो भी उतर जाएगा। हर मकसद में ये कामयाबी का वजीफ़ा है, मगर शर्त यही है कि इसे मुकम्मल यकीन के साथ करें। जो भी वज़ाइफ़ करें नहायत यकीन के साथ करें, इंशाअल्लाह ताला हर मकसद में कामयाबी हासिल होगी। ये था हमारा आज का वजीफ़ा। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर लें। वाखिरु दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।